हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस पीछे देख सकते हैं कि मेरे भाई लोग एकदम छोटे छोटे चाचा जी के लड़के हैं लोग, तो मैं बोल रहा हूँ आने के लिए तो आ नहीं रहा है। आप पीछे से खोलेंगे तो भाग जाएगा सब। देखिए आओ। तो चलिए गाइस, अभी आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। गाइस आप लोग को बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा आराम करना है और वीडियो भी नहीं डाल रहे थे। तो अभी क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है मुझे लग रहा है कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुका है और 10 तारीख से लेके आने वाले कुछ एनिवर्सरी है, पार्टी है, फंक्शन है, तो कुछ दिन इंतज़ार अभी कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आराम कर लेंगे, उसके बाद से मस्त मस्त वीडियो आएगा। तो चलिए आप लोग को एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरे वजह से जो है रंजना नहीं आ पाई है। आप लोग को लग रहा होगा कि रंजना क्यों नहीं आई, तो रंजना को उसको मन था आने का, लेकिन मुझे मन नहीं था आने का, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न होगा, कुछ बात जो था वो मेरे अंदर था। मैं नहीं चाह रहा था कि मेरे वजह से फिर से कुछ ख़राब हो, तो मैं नहीं सोच रहा था आने का, लेकिन रंजना जिद करती बोल रही है कि नहीं मुझे लेके चलिए, आप भले आ जाइएगा मुझे छोड़ के आ जाइए। तो वो कल से परसों से ही जिद कर रही है, पर मैं कितना भी इसी वजह से जो है मैं मतलब मन नहीं कर रहा था आने का, बस यही रीज़न है। और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो होता है साफ बोल देता हूँ, जिसको जो समझना है समझे। और अभी जो है पापा जी का अचानक से थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा है, तो मैं उनको लेने के लिए ही आया हूँ। और बोले हैं पापा जी कि कल मैं लेके चल, मतलब कल बोले हैं कि जाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि किसके साथ जाएंगे वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ चले। खैर छठ माँ से मैं यही निवेदन करूँगा कि सब कुछ जल्दी से सब कुछ ठीक कर दीजिए, पापा जी का तबीयत भी एकदम अच्छे से कर दीजिए। और मैं बोला हूँ उनको ले जाने के लिए, तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगा था कि रंजना काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई थी, मुझे लगा था कि नॉर्मल तैयार होगी, पर उसके में थोड़ा सा ये साड़ी भी जच रहा था। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है लुक, और कोसी का जो है वो भी वीडियो इसमें होगा, कोसी भराने का। तो गाइज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि नेट नहीं चलता है, तो पता नहीं वीडियो कब डला रहा है, कब आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर आप लोग खूब सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोग मेरे से नाराज़ हैं, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कोई भी बात आप लोगों को मेरा बुरा लगा होगा तो। और मैं इतने दिनों में एक चीज़ तो सीख लिया हूँ कि अपना काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको छोड़िएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। खैर ज़्यादा ज्ञान का बात नहीं करें, मेरे को कॉमेडी सही लगता है, तो आप लोग हंसिए मुस्कुराइए और खूब खुश रहिए। चलिए दिखाते हैं, मस्त एकदम ब्लॉग है ये। काम था, मैं वो सब फिनिश कर ली हूँ और अभी मैं भी चल रही हूँ, रेडी होती हूँ। अभी बस मैं साड़ी पहनी हूँ क्योंकि घाट पर मुझे नहीं जाना है, घर पर ही, तो मैं सोची थी कि थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। तो अभी चलिए ये वाला साड़ी पहनी हूँ, आप लोग बताने कि साड़ी कैसी लग रही है। और अभी चलते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, फिर ज्वेलरी वगैरह पहनेंगे, उसके बाद आप लोग से मिलेंगे। तो बस आप लोग बने रहिए। और यहाँ आकर मतलब कि यहाँ का छठ, गांव का छठ बहुत ही अलग होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। वैसे तो अभी मैं बस साड़ी चेंज की, बाकी अभी मुझे सब कुछ पहनना है, तो अभी चलते हैं। आप लोग बताना है कि ये कलर कैसा लग रहा है साड़ी का। और वैसे तो सुबह में मैं पहनूंगी दूसरा साड़ी, तो बस अभी चलते हैं और फिर आप लोग से थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। बाकी मम्मी जी भी चली गई हैं, पापा जी भी, और फिर ये भी चले गए हैं घर में, सिर्फ और सिर्फ मैं बची हूँ। तो मुझे फटाफट जल्दी से रेडी होना है, बाकी मुझे नीचे जो है जाकर वो क्या बोलते हैं चौका पूरना है, वो सब सारी चीज़ें। और गाइस मैं बता दूँ कि यहाँ पर इतना ज़्यादा मच्छर लग रहा ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहा है, जहाँ मच्छर काट रहा है वहाँ पे एकदम फुला दे रहा है। तो बस यही है, तो बिना किसी देरी के चलते वीडियो को लेकर आगे, और आप लोग देखिए जब मैं पूरा रेडी हो जाऊँगी। और मैं एक बात बता दूँ कि पूरा लाइट अभी कटा हुआ है, नहीं तो मैं अपना और भी अच्छे से ब्लॉगिंग करती, लाइट कटा हुआ उस रूम में, तो इसलिए मैं यहाँ पर आकर इस रूम में सूट कर रही हूँ। तो अभी चल रहा है, बाकी आप लोग बने रहिए। चलिए दिखाते कि मैं इस पर कौन सा सेट पहनूंगी, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस पर गोल्ड सेट पहन, वैसे गोल्ड का मैं ज़्यादा कुछ नहीं पहनूंगी, बस टीका नथ
और इयररिंग पहनूंगी और हार नहीं पहनेंगे क्योंकि इस पे हार नहीं, बस लंबा सा मंगलसूत्र पहन लेंगे। तो बस अब चलते हैं जल्दी से, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। हे गाइस, तो फाइनली मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है और ज़्यादा कुछ मैं ओवर नहीं क्यों मेकअप में, बहुत ही कम सिंपल सा किए हैं। और आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे मच्छर काट लिया मेरे को, तो देखिए कैसे फूल गया, बाकी मेरे हाथ पे भी काट लिया पूरा, इतना बड़ा बड़ा फूल गया था, पता नहीं मच्छर का क्या सीन है। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे मैं चूड़ा लेकर आई हूँ, ये रहा चूड़ा, तो अभी ये सब चूड़ा मैं पहनूँगी, बाकी मुझे ज्वेलरी भी पहनने हैं तो वो सब मैं पहनूँगी। तो चलिए अभी पहन लेते हैं यहाँ पे। तो भाई अभी मैं बता दूं कि अभी जब चूड़ा पहन लेते हैं फटाफट, और मैं बता दूं यहाँ पे देखिए मेरे हाथ पे कैसे मच्छर काट लिए, फूल गया बहुत ज़्यादा, पता नहीं यहाँ का मच्छर कैसा है कि तुरंत ही फूल जाएगा। और अभी जल्दी चूड़ी पहन लेते क्योंकि अब सब लोग का टाइम हो चुका है आने का अच्छे से तैयार। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो चुन्नी है वो पता नहीं कहाँ, एक चुन्नी मैं लेकर गई थी वहाँ सूट के लिए, तो मैं वहीं पे रख कर आ गई हूँ। मैं सोची थी कि वापस रिटर्निंग आएंगे तो ले लेंगे अपने घर से, लेकिन मैं ले नहीं पाई थी तो इसीलिए चुन्नी नहीं पहन पाऊँगी। बाकी यहाँ पे आपको बताना कि मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है, आप लोग बताना कि ये मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। अगर जिनको भी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे आइएगा, आप लोग फॉलो कीजिएगा और मैं बताऊंगी। इस पर मेरा नेम लिखा हुआ रंजना, और इस पर मेरे हस्बैंड का नेम लिखा हुआ है, जो भी है आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए। तो अभी पहन लो तो उसके बाद फिर आप लोग से शेयर करूँगी। तो फाइनली यहाँ पर मैं चूड़ा पहन ली हूँ, आप लोग बताना कि ये कैसा लग रहा है। और अभी चलती हूँ, मुझे अभी बाल बनानी है और ज्वेलरी पहननी है, तो बस फटाफट चलते पहन लेते हैं, उसके बाद फिर अपना फाइनल लुक दिखाएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, देखिए। और यहाँ पे पता चल रहा है ना बहुत ज़्यादा अभी, खैर कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अब हेयर स्टाइल तो हो गया, बस सिंपल सा कर लिए हैं और अब चलते हैं ज्वेलरी पहनने। तो अभी नेकलेस नहीं पहनेंगे, नेकलेस कल मॉर्निंग में पहनेंगे, बस सिर्फ मंगलसूत्र पहन लेते हैं यहाँ पे। बाकी सुबह में पहनेंगे। और अब कान वाला चलते पहन लेते हैं, मुश्किल होता है थोड़ा कान वाला खोलना। तो गाइस ये रिंग पहन लिए, अब चलते हैं रिंग पहनते हैं, जो कि यहाँ पे है मेरा एंगेजमेंट रिंग। तो आज सारा रिंग जो है सब पहन लेते हैं, बस गाइस गिरे नहीं, यही मेरे को दिक्कत होता है, गिर जाता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। क्या है ना कि कभी कभी जब मेरी विदाई थी पदफेरे रस्म, तो मैं रिंग पहन कर जा रही थी, तो पता नहीं मेरे हाथ से कब छूटकर कार में गिर गया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। फिर ऑटोमेटिक जब मैं अपना हाथ देखी तो मैं बोली, कह रही ये तो रिंग गिरा हुआ है, तो ये वाला ही रिंग गिरा हुआ था, आप लोग देखिए ये वाला, तो कार में गिरा हुआ था, तो फिर जाकर मिला। मैं तो बहुत डर गई थी कि अभी, क्योंकि अच्छा नहीं होता है ना, देखिएगा ये भी लूज हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, किस में पहनूँ, देखते हैं इसमें क्या पता सही आए। तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरीके से, आप लोग बता रहे कि ये लुक मेरा कैसा लग रहा है। वैसे तो लाइट कटा हुआ था लेकिन अभी जस्ट आया है, तो अब नीचे सभी लोग आ चुके हैं घाट से और अब मैं भी चलती हूँ नीचे। एक चीज़ मेरा मिसिंग है जो कि है चुन्नी, तो चुन्नी मेरा नहीं मिला है, तो बस मुझे ऐसे ही जाना होगा। बाकी ये सब जो नेकलेस मैं नहीं पहनी हूँ, मैं कल सुबह मॉर्निंग में पहनूँगी। और ये छात का छल्ला वाला ये सब जो है, तो ये सब मुझे, मैं सोच रही हूँ कि नहीं पहनूँ,
तो बस अभी चलते हैं, आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। ये गाइस तो अभी यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग बताना कि ये मेरा लुक कैसा लग रहा है और सुबह में और इससे भी अच्छे तरीके से रेडी होंगी। अभी मैं जल्दी जल्दी में रेडी हो गई हूँ और अभी नेकलेस वगैरह भी मैं पहने हैं, तो अभी चलिए चलते हैं। मुझे पूरा है चौका जो कि आटा और ये क्या बोलते हैं हल्दी, तो दोनों मिलाऊंगी उसके बाद फिर क्या करूँगी वहाँ पर चाय फिर करेंगे तो आप लोग से भी दिखाएंगे। तो ये है प्रसाद वाला, इसको एकदम साफ है ये, तो देखिए आटा ले लिए हैं और इसमें मिलाएंगे हल्दी, हल्दी तो गाइज़ आज आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग के घर में कोसी भर आ रहा है, कोई 24 ईंख का करता है और कोई 12 ईंख का करता है, तो हम लोग कर रहे हैं 12 ईंख का। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूं कि रंजना को बोला गया था कि कोसी के लिए जो नीचे बनाया जाता है फर्श पे, तो उसको बनाने के लिए तो ये क्या की कि इतना ज़्यादा बड़ा बना दी थी, तो मैं बोला कि इतना ज़्यादा बड़ा क्यों बनाई हो, तो बोलती है कि छोटा बनाना है क्या। तो गाइस यही होता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, तो पहले क्या करता है कि उल्टा चप्पल पहनते रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो बड़ा होने के बाद से सही से करने लगता है, तो तब भी लोग गुस्सा नहीं होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ कारणवश जो है उसको लग रहा होगा वो सही है। तो छोटे लोगों को क्या होता है ना कि वो थोड़ा गलती करते हैं, पर बड़े लोगों का काम होता है कि थोड़ा अच्छे से उसको समझा देना। तो यहीं पे चाची आई बड़े और उन्होंने बताया कि नहीं बाबू आप ऐसे मत कीजिए, आपको जो है ना इस चीज़ को थोड़ा छोटा बनाइए, और छोटा बनाने से क्योंकि ऑलरेडी 12 ही है, तो इसको सही करने के बाद हे गाइस। तो एक चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ किया इतने दिनों में कि हम लोग क्या सोचते हैं ना, जैसे हम लोगों को जब बचपन में क्या होता है कि हम लोग खूब सारा पटाखा छोड़ते हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर लगता है कि नहीं यार क्या ज़रूरत है, फिर धीरे धीरे करके जो है एक एक चीज़ करके हम लोग सोचते हैं कि चलो। तो हम लोगों का जो लेबल होता है वो बड़े और छोटे में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, तो सबको लगता है कि हम बड़े हैं तो हमारा लेवल जो है समझने का इतना है तो वो सामने वाले का भी इतना ही होगा, तो पर ऐसा नहीं है, वो जिस लेवल में है यानी कि छोटे लेवल में है तो उसको उतना ही समझ में आएगा जितना वो जो लेवल का है, और बड़े हो जाने के बाद से वो खुद समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ क्या गलती है क्या सही है। तो ये क्या होता है ना कि गलती क्या होता है ना, समय का होता है, और जिस समय में जो चीज़ चलता है वो चीज़ उसको सही लगता है। अब आपके समय में लगेगा कि आपको जो है वो सही है और छोटे वाले को लगता है वो सही है, पता नहीं आप हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम सही हैं या गलत हैं। आप लोग खूब सारा कमेंट कीजिए यहाँ पे जो है कोसी के लिए, हम और पापा जी मिलके जो है अच्छे से इसको अरेंज कर दिए थे, और फिर क्या हुआ था कि यहाँ पे रंजना बैठ के अच्छे से देख रही थी सारा सब। मैं आप लोगों को बता दें कि प्रसाद रखा हुआ था जो कि है पूड़ी खजूर, और इसके ऊपर रखा जाएगा दिया, और एक एक करके जो है सभी जितने भी लोग हैं जो मेरी बड़ी मम्मी हैं सब लोग आए थे यहाँ पे। रंजना को बोला गया कि थोड़ा अच्छे से इसको जब कुछ देख लो सही है कि नहीं ठीक है नहीं, तो ये सब ठीक किया जा रहा था। यहाँ पर गीत हो रहा था, आप लोग ज़रूर सुनिए।
हे गाइस, तो यहाँ पे कोसी के बारे में तो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर आप लोगों से मैं पूछूंगा कि कोसी क्यों भरा जाता है। आप लोग खूब सारा कमेंट कीजिए कि मतलब इससे रिलेटेड मुझे कुछ आइडिया नहीं था। शायद कोई मन्नत होता है, मांगते हैं पूरा हो जाता है, या मन्नत जो है वो मांगा जाता है कहीं पूरा हो जाए, इस वजह से। तो आप लोग मुझे प्लीज़, जो भी मेरे से बड़े होंगे, मेरे दीदी या जो भी हमारे आंटी जो भी होंगे, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये क्यों होता है। और यहाँ पे करके जो जैसे जैसे मम्मी कर रही थी वैसे वैसे रंजना देख देख के कर रही थी। टीका करना था तो टीका, और अब आप लोग हे गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पे मम्मी शायद कुछ सोच के रोने लगी और इमोशनल हो गई थी, और मैं इस वक्त बाहर गया हुआ था और मुझे, मैं नहीं था यहाँ पे। और रंजना जो है बैठ के सिनोरा में जो बोला जा रहा था वो कर रही थी, तो आप लोग देखिए आगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सभी को, रंजना को देख सकते हैं टीका लगा ली है। अरे मम्मी लगा देंगी, पकड़ो। हे गाइस, तो अब वक्त हो चुका था आशीर्वाद लेने का, तो एक एक करके हम पापा जी और मम्मी, चाची, बड़ी मम्मी सब लोग जो है कोसी भरने के बाद से आशीर्वाद लेते हैं, ताकि छठ माँ जो है हमें हमेशा कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पे रंजना भी आ चुकी थी, और अपने जो भी हम लोग गलती किए हैं या जो भी हम लोग माफ़ी मांगते हैं, अगर कोई भी चीज़ का कमी है तो आप भगवान पूरा ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे आ चुकी है मेरी छोटी सी बेटी, आ जाओ। देखिए देख सकते हैं, और ये मेरी इधर 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 हाय बोलो, तभी रोने लगी। और कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।